मन तो निरंतर ही खोज में खोया रहता है, कभी शास्त्रों में, कभी पर्वतों पर, कभी समुद्र के किनारे, तो कभी तीर्थ स्थलों पर, कभी मंदिरों में, कभी वन में। किंतु जो वो खोज रहा होता है वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि मन तो अभी भी स्थिर नहीं। वो व्यक्ति जहां भी रहे पुत्र, जहां भी जाए और जहां भी खोजे, तुमने भी सदैव शब्दों पर ध्यान दिया है कार्तिक, भले ही वो मेरे शब्द हो या किसी और की, तुम्हारी प्रतिक्रिया तो उन शब्दों पर ही आती। और जो मन केवल शब्दों को सुनता है वो उसके निहित अर्थ से स्वयं वंचित रहता था। शब्दों की सत्यता को समझने के लिए, उनकी अनुभूति के लिए मन में शांति के साथ साथ रिक्तता भी अनिवार्य है। शून्य